रशपाल ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हेयर वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के जरिए हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। दैट इज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री का एक टॉपिक है, दैट इज जैनिज्म। आज का जो लेक्चर है पार्ट वन रहेगा और लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम लाइक हाईकोर्ट क्लर्क, SSC CGL, PSC, RRB, RPF एंड ऑल स्टेट एग्जाम। तो लेक्चर को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा, सो दैट आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे जो हम वीडियो पोस्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप ये पूरा वीडियो लेक्चर देखेगा। अगर आप ये पूरा वीडियो लेक्चर देखते हैं तो यहाँ पे आपका वीडियो देखना सार्थक रहेगा, अदरवाइज आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज जैनिज्म के ऊपर हम पहले 15 क्वेश्चंस बात करेंगे, टोटल 30 है। पहले 15 क्वेश्चन पार्ट वन में डिस्कस किए जाएंगे और बाकी जो 15 क्वेश्चन है पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला बिकॉज ये जो जैनिज्म टॉपिक है अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन पाली टेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर टू एज निगंथा नतपुता। पाली लैंग्वेज में निगंथा नतपुता के नाम से किसको जाना जाता है और वो कहा जाता है दैट इज टू महावीरा। ऑप्शन इज बी, वर्धमान महावीरा जो कि उनके 24 तीर्थ अंकार हैं। जैनिज्म के टोटल 24 गुरु हैं, गुरुस को तीर्थ अंकार कहा जाता है और उनके 24th गुरु हैं जिनको हम बोलते हैं वर्धमान महावीरा। तो उन्हीं को पाली लैंग्वेज में, पाली भाषा में निगंथा नतपुता कहा जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम बात करें ये जो पर्सन है वर्धमान महावीरा, ही वॉज फ्रॉम क्षत्रिय क्लैन, क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका जो जन्म था दैट वॉज हेल्ड इन वैशाली में हुआ, बिहार, और उनकी डेथ भी बिहार में हुई दैट इज इन पावापुरी में, पावापुरी में उनकी डेथ हुई। सो आंसर वॉज बी दैट इज महावीरा। सेकेंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज 23rd जैन तीर्थ अंकारा। जैनिज्म के अंदर जैसे हमने बात की 24 गुरु हैं, उनमें से 23rd गुरु कौन थे और या तीर्थ अंकार कौन थे और वो थे पर्शवनाथ। सो आंसर इज सी, पर्शवनाथ वॉज 23rd तीर्थ अंकार और वी कैन से गुरु अंडर रिलीजियन दैट इज जैनिज्म। उनको एक और नाम से भी जाना जाता है, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज पारस। सो कौन से गुरु को कहा जाता है, दैट इज पर्शवनाथ को, पारस कहा जाता है उनको और उनका जन्म हुआ था दैट वॉज इन वाराणसी। और अगर हम बात करें तीर्थंकार, टोटल जैसे 24 तीर्थंकार हैं उनमें से जो फर्स्ट है उनका नाम है ऋषभनाथ, 23rd है पर्शवनाथ और उनका सिंबल जो है दैट इज स्नेक। अगर आपसे पूछा जाए पर्शवनाथ गुरु का सिंबल क्या था, दैट वॉज स्नेक। और 24th गुरु है दैट इज वर्धमान महावीरा और उनका सिंबल है दैट इज लाइन। तो ये सारे बेसिक फैक्ट्स हैं, अक्सर रिपीटेशन में आते रहते हैं, आपने याद रखने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्परर अकबर कॉन्फर द टाइटल ऑफ जगत गुरु अपॉन विच अमंग द फॉलोइंग जैन फिलोसोफर। अकबर के द्वारा कौन से जैन फिलोसोफर के ऊपर एक टाइटल दे दिया गया, उस पर्सन को उसको नाम दिया गया दैट इज जगत गुरु और वो दिया गया दैट इज टू, आंसर इज डी, हीरा विजयसूरी। हीरा विजयसूरी को ये टाइटल दिया गया कौन से राजा के द्वारा, दैट इज बाय अकबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक जैन फिलोसोफर था राइट और ये टाइटल किसने दिया, दैट इज बाय अकबर। टाइटल का नाम क्या, जगत गुरु। अकबर के बारे में बात करें, ही वॉज सन ऑफ हिमायूं एंड ही वॉज वन ऑफ द इलिटरेट रूलर। अगर आपसे पूछा जाए अनपढ़ राजा कौन सा था, दैट वॉज अकबर। ही वॉज अ मैन हु इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग मुगल एम्पायर। मनसबदारी सिस्टम वी कॉल इट एज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और रैंकिंग सिस्टम इन द आर्मी। कौन से राजा के द्वारा, अकबर के द्वारा। और जगत गुरु का टाइटल दिया गया दैट इज थ्रू हीरा विजयसूरी, दैट इज बाय अकबर, तो इसलिए ऑप्शन था सी। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, हु वॉज द फादर ऑफ महावीरा। जो 24th गुरु हैं दैट इज वर्धमान महावीरा, उनके पिता कौन थे और वो थे दैट इज सिद्धार्था। तो आंसर इज बी, सिद्धार्था वॉज द फादर ऑफ गुरु वर्धमान महावीरा दैट इज 24th गुरु और उनकी मदर का नाम था त्रिशला। तो ये भी आपने याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकारा इन जैनिज्म। जैनिज्म में पहले तीर्थ अंकार कौन थे, वो ऑलरेडी हम इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं और वो थे दैट इज ऋषभनाथ। सो आंसर इज ए, सो ऋषभनाथ वाज द फर्स्ट तीर्थ अंकार अंडर जैनिज्म और उनका जन्म हुआ था, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और उनका जन्म हुआ दैट इज इन अयोध्या। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर महावीरा अटेन कावल्या। कौन सी रिवर के तट के ऊपर
महावीरा को कवल्या अटेन हुआ। कवल्या मीन्स सॉलिट्यूड या आइसोलेशन या डिटैचमेंट, जिसको हम इनडायरेक्टली इनलाइटनमेंट भी बोल सकते हैं, राइट, या मुक्ति बोल सकते हैं। और ये जो उनको इनलाइटनमेंट हुई, या इन्होंने ये आइसोलेशन या सॉलिट्यूड हासिल की अपनी मेडिटेशन के बाद, और वो कही दैट इज ऑन द रिवर रिजुपालिका। सो ऑप्शन इज बी, रिजुपालिका वॉज द रिवर, और जिसके तट के ऊपर उन्होंने अपनी कवल्या को अटेन किया। कवल्या मीन्स एनलाइटनमेंट, ज्ञान होना किसी चीज़ का, राइट। और दैट वॉज, और ये जो कवल्या उनको हासिल हुई थी, एक ट्री के नीचे हुई थी, और ट्री इज साला ट्री, याद रखना। कौन सा गुरु? वर्धमान महावीरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर्धमान महावीरा वॉज बॉर्न, वर्धमान महावीरा का जन्म कौन से ईयर में हुआ, और वो हुआ 540 BC। सो ऑप्शन इज बी, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, राइट। और 540 में इनका जन्म हुआ, दैट इज इन वैशाली, वो पढ़ते हैं बिहार में, और उनकी डेथ हुई थी, दैट इज इन पावापुरी, वो भी पढ़ते हैं बिहार में। सो ऑप्शन वॉज बी, आंसर इज 540 BC। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जैन तीर्थ अंकारा हैव बीन मैंशन इन ऋग्वेदा, इनमें से कौन से ऐसे जैन तीर्थ अंकारा हैं जिनका जिक्र ऋग्वेदा में आता है या किया गया, और वो है दैट इज ऋषभ प्लस अरिस्तानमी। सो ऑप्शन इज ए, सो ऋषभ प्लस अरिस्तानमी ये जैन तीर्थ अंकारा हैं जिनका जिक्र ऋग्वेदा में किया गया। ऋषभनाथ जो कि उनके फर्स्ट तीर्थ अंकार हैं, और ये जो हमारे अरिस्तानमी हैं इनको नेमी नथा के नाम से भी जाना जाता है, और ये उनके 22nd तीर्थ अंकार है, इनका जिक्र ऋग्वेदा में आता है। ये दोनों ही गुरु का जिक्र ऋग्वेदा में आता है, ऋग्वेदा जो कि फर्स्ट वेदा है। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू सम जैन ट्रेडिशन हु वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ तीर्थ अंकारा, दैट इज महावीरा। जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली महावीरा जो है हमारे वर्धमान महावीरा हैं, उनके पहले डिसाइपल कौन थे, तो ये आपने बताना है, और इसका आंसर है दैट इज जमाली। सो जमाली वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ वर्धमान महावीरा, डिसाइपल मीन्स उनके शिष्य, ऑप्शन इज ए, तो ये याद रखने। और अगर हम जमाली के बारे में बात करें, फर्स्ट डिसाइपल महावीरा के थे, एंड ही वॉज ऑल्सो सन इन लॉ ऑफ महावीरा, उनके सन इन लॉ थे, और उनकी बेटी का नाम था, उनके साथ इनकी मैरिज हुई थी, और वर्धमान महावीरा की बेटी का नाम था दैट इज प्रिया दर्शना, तो याद रखने प्रिया दर्शना वॉज हिज डॉटर, किसकी डॉटर? वर्धमान महावीरा, और उनके पहले डिसाइपल थे जमाली, हु वॉज ऑल्सो हिज सन इन लॉ। नेक्स्ट इज, द नेम ऑफ वाइफ ऑफ वर्धमान महावीरा वॉज डैश, वर्धमान महावीरा की वाइफ का नाम क्या था, और वो था यशोदा। सो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज, महावीर स्वामी बिलोंग टू विच क्लैन, जो महावीर स्वामी हैं वो कौन से क्लैन के साथ या कौन से वंश के साथ बिलोंग करते थे, और वो कहते दैट इज विद जंत्रयक क्लैन। सो ऑप्शन इज सी, सो जंत्रयक क्लैन इज वन ऑफ द क्लैन, और वी कैन से वंश अंडर क्षत्रिय, क्षत्रिय के अंडर आता है। नेक्स्ट इज, एट विच प्लेस महावीरा अटेन निर्वाणा, महावीरा को कहाँ पे निर्वाणा प्राप्त हुआ, निर्वाणा मीन्स, और वी कैन से निर्वाणा मीन्स डेथ, कौन सी जगह पे उनको डेथ हुई उनकी। सो ऑप्शन इज पावापुरी, ऑप्शन इज ए, सो पावापुरी वॉज द आंसर, और निर्वाणा मीन्स डेथ, और उनकी जो डेथ हुई दैट वॉज हेल्ड इन द एज ऑफ 72 ईयर, और पावापुरी पड़ता है बिहार, एंड ही डाइड इन द ईयर 527 BC, तो ये आपने याद रखने, डेथ हुई 527 BC में, और उनका जो बर्थ हुआ था दैट इज 540 BC। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेड, फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पे हुई, कहाँ पे ये आयोजित की गई, और वो की गई दैट इज इन पाटलिपुत्र। सो ऑप्शन इज बी, जैन धर्म में काउंसिल्स हुई थी, कुछ मीटिंग्स हुई थी उसको प्रमोट करने के लिए, और फर्स्ट काउंसिल जो हुई दैट वाज हेल्ड इन पाटलिपुत्र, तो आपने याद रखने, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्थूला भद्रा, कौन से पर्सन की चेयरमैनशिप में, स्थूला भद्रा की चेयरमैनशिप के बीच में, राइट, और ये हुई दैट इज इन 300 BC, कौन सी जगह पे, पाटलिपुत्र। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सेकेंड जैन काउंसिल हेड, उसके बाद सेकेंड काउंसिल हुई, टोटल दो काउंसिल्स हुई हैं, मीटिंग हुई है जैनिज्म में, और सेकेंड काउंसिल हुई दैट वॉज इन वल्लभी, सो इसलिए ऑप्शन है बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर, और सेकेंड जैन काउंसिल हुई वल्लभी में, और वो पड़ता है गुजरात, एंड इट वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ देवार्दी, देवार्दी एक पर्सन थे, उनकी चेयरमैनशिप में हुई, और हुई दैट इज इन 521 AD में, AD मीन्स एनो डोमिनी, या आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज के हमारे पार्ट वन का लास्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप श्वेतांबर सेक्ट फॉर्म्ड,
कौन से पर्सन की लीडरशिप में श्वेतांबरा सेक्शन बन गया था? एज वी ऑल नो, जो जैनिज्म है उसके दो सेक्शन थे, दो पार्ट्स थे, वन इज दिगंबरास एंड सेकंड वन इज श्वेतांबरा। श्वेतांबरा बना कौन से पर्सन की लीडरशिप के अंडर? वो बना दैट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थाला बहु। सो ऑप्शन इज बी, स्थाला बहु के अंडर ये जो हमारा सेक्शन है श्वेतांबरा वो बना। श्वेतांबरा जो है बेसिकली दीज वर द पीपल हु यूज टू वेयर वाइड क्लोथ्स, राइट, याद रखने। और दूसरा सेक्शन है जो मैंने अभी बताया दैट इज दिगंबरास, दीज वर द पीपल हु फॉलोड द कंसेप्ट ऑफ न्यूडिटी एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्र बहु। श्वेतांबरा बना दैट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूला बहु, और दूसरा जो है हमारे पास दिगंबरा बना दैट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्र बहु। तो ये आपने याद रखने। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का हमारा क्वेश्चन है, विच जैन तीर्थ अंकार इज कंसीडर्ड एज फीमेल बाय श्वेतांबरा सेक्ट ऑफ द जैनिज्म। सो कौन से जैन तीर्थ अंकार है जिनको फीमेल कंसीडर किया गया दैट इज बाय द सेक्शन श्वेतांबरा, और इसका आंसर आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप एंड ट्विटर के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।